शाहरुख खान की आगामी फिल्म फैन की शूटिंग पूरी हो चुकी है और रईस की शूटिंग अंतिम चरणों में है। अब ऐसे में उनके नए प्रोजेक्ट्स को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। फिल्मी गलियारों में चल रही खबरों की माने तो इस समय शाहरुख खान 6 डायरेक्टर्स से बात कर रहे हैं। इनमें से 2 की कहानियां शाहरुख को पसंद आई हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। हाल ही में हुए एक अवार्ड शो में जब शाहरुख से पूछा गया कि क्या वो आनंद एल रॉय की फिल्म में काम कर रहे हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आनंद जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना खुशी की बात होगी। When I start working with him, I think he's a fantastic director, so inshallah when we start a film it'll be good fun. वहीं आनंद राय ने कहा कि शाहरुख जैसे एक्टर का उनकी फिल्म में होना खुशी की बात है। वो एक ऐसे एक्टर हैं जो अहम और जिम्मेदार महसूस करवाते हैं। खबर है कि आनंद की फिल्म में शाहरुख बौने के किरदार में नजर आ सकते हैं। इस बारे में आनंद ने बताया कि ये सिर्फ एक बौने की कहानी नहीं है बल्कि एक दिलचस्प प्रेम कहानी है। इसमें रोमांस का तड़का लगाने के संकेत देते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म में शाहरुख हो और उसमें रोमांस ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वहीं इम्तियाज अली की फिल्म एक सिख की कहानी होगी और इसमें शाहरुख खान सरदार के रोल में दिख सकते हैं। अगर शाहरुख इस फिल्म के लिए हामी भरते हैं तो पहली बार वो किसी फिल्म में सरदार के किरदार में दिखेंगे। इसके अलावा करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, रोहित शेट्टी और फराह खान से भी बातचीत चल रही है।